प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बुधवार को बधाई दी और कहा कि यह राज्य अनूठी संस्कृति और मेहनती लोगों से समृद्ध है जिन्होंने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना को 2014 में इसी दिन राज्य का दर्जा दिया गया था। मोदी ने ट्वीट कर कहा, राज्य के स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीएसई की ही तरह अन्य शिक्षा परिषदों तथा राज्य बोर्डों की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट किया, परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव के आगे असंवेदनशील भाजपा सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ भी रद्द की जानी चाहिए। सुस्त हुआ कोरोना वायरस, भारत में 24 घंटों में 3,207 मरीजों की मौत, 1,32,788 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार सुस्त पड़ती नजर आ रही है। दूसरी लहर ने भारत में कोहराम मचाया, लाखों लोगों की जिंदगियां चली गईं, काफी मरीज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर एक त्रासदी की तरह आई और सरकार की खोखले दावों की पोल खोलते हुए आतंक मचा रही है। अब 50 दिनों बाद कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने को इच्छुक कई छात्रों को मुंबई के सरकारी राजावाड़ी अस्पताल में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस रोधी टीके के खुराक नहीं मिलने से बिना टीका लिए ही लौटना पड़ा। ब्रेवन मुंबई महानगर पालिका ने पिछले सप्ताह ऐसे छात्रों के लिए सोमवार से बुधवार तक एक कस्तूरबा अस्पताल, राजावाड़ी अस्पताल और कपूर अस्पताल से बिना पंजीकरण के वॉक इन टीकाकरण की घोषणा की थी। हालांकि बाद में बीएमसी ने कहा कि दो दिन में इन तीनों केंद्रों पर 1,875 खुराक उपलब्ध कराई गई थी तथा बुधवार को 900 और टीके इन केंद्रों में दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि बीएमसी ने केंद्र सरकार से दो खुराकों के बीच एक समयावधि को कम करने को भी अनुरोध किया क्योंकि अधिकतर छात्र जुलाई अगस्त में विदेश जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से दर्दनाक खबरें आ रही हैं। 2 जून की रात भी एक परिवार सुकून से सोने के लिए गया लेकिन एक हादसे ने परिवार को उजाड़ कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सिलेंडर फटने से 2 मंजिला इमारत की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल भी हो गए। ये हादसा गोंडा वजीरगंज क्षेत्र के टिकरी गाँव में बीती रात को हुआ। सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर को जीर्णोद्धार किया और इसे मंगलवार को दोबारा आम जनता के लिए खोल दिया। आपको बता दें, वर्ष 1915 में बना यह मंदिर अभिनेता राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म आपकी कसम के मशहूर गीत जय जय शिव शंकर में भी नजर आया था। अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के मुंगीशपुरे पूरे मठिया निवासी युवक को अभद्र महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पकड़कर 3 दिन पुलिस हिरासत में रखकर प्रताड़ित किए जाने का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। गोंडा नगर के घनी आबादी वाले सकरौरा पूर्वी मोहल्ले में सुलभ शौचालय में मंगलवार को दोपहर एक 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसी बालिका के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या के कुछ देर बाद एक बालिका जब शौच के लिए गई तो उसने शौचालय में पड़ा शव देखकर शोर मचाया। बालिका के शोर सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन निर्माण की 10% ही ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। एमएसएमई में फर्नेस चलाने के लिए स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर आदि का कार्य प्रभावित होने के चलते 14 अप्रैल से अब तक उद्योगियों को करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका है। इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति, लेबर का उपलब्ध न होना और मार्केट में डिमांड खत्म होने की समस्या से उद्योग जूझ रहे हैं। कन्नौज के मानीमऊ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेती में दफन शव उतराकर बहने लगे। इन्हें कौवे और कुत्ते निवाला बना रहे हैं। वहीं अभी भी गंगा की रेती में शवों को दफनाया जा रहा है जिनको देखने, रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है।